सरकार पूरा खरा उतर रही है और आम आदमी इन सारी बातों से संतुष्ट है। उसका मानना यह है कि मोदी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं और उसका परिणाम समझ में आ रहा है। और आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से आम आदमी तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं, उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। अनेक सारी कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं जिनसे हर आदमी लाभ उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, भाजपा की जीत हो रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों का भाजपा में विश्वास बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। भाजपा सरकार जिन जिन राज्यों में काम कर रही है वहां खुशहाली है और संकल्प यात्रा के माध्यम से हम 2024 में पुनः पदासीन होंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे। वास्तव में यात्रा के माध्यम से आम आदमी से मिलना और सरकार की जो उपलब्धियां है उसकी जानकारी देना और जो सहायता मिल रही है उसको सीधे उस तक पहुंच रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये जानकारी देना। मुझे लगता है इन सारी बातों पर सरकार पूरा खरा उतर रही है और आम आदमी इन सारी बातों से संतुष्ट है। उसका मानना ही है कि मोदी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं और उसका परिणाम समझ में आ रहा है। और आज ऐसे महत्वपूर्ण दिन में काम कर रहे हैं कि जब 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उनके परिणाम आ रहे हैं और परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं, ऐसा हम जानते हैं। हम केवल इतना ही आपके माध्यम से सरकार को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वास्तव में सरकार एक सही दिशा में सही ढंग से काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।